दोस्तों, अगर आपके भी फ़ोन में जब आप किसी भी पर्सन को कॉल करते हो और वहाँ पर नो सिग्नल बिताता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बिता देता हूँ, जब भी मैं किसी को कॉल करूँगा तो नीचे नो सिग्नल का एरर आएगा, तो अब आप इसे कैसे सही कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, आपकी यह प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर मेरे फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं मेरे फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ, आपको भी ओपन करना है। आप सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जिस भी सिम में आपको यह प्रॉब्लम आ रही है, आप उस सिम पर क्लिक करो। तो मुझे एयरटेल में आ रही है, तो मैं एयरटेल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब सिम कार्ड सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको टर्न ऑन का ऑप्शन शो करेगा, दिखाई देगा, तो आपको इसे इनेबल कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे इनेबल कर देता हूँ, टर्न ऑन कर लेता हूँ। अब देखो, आपने इसको टर्न ऑन तो कर लिया है, पर एक मेन सेटिंग आपको करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो नीचे यूज वोल्टी का ऑप्शन शो कर रहा होगा, ये आपकी क्वालिटी इंप्रूव करेगा जब भी आप वॉइस कॉल करोगे। तो इसको इनेबल कर देना है और उसके बाद आपको बैक चले जाना है अपनी सेटिंग समय से, और आपकी यह प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। तो अगर आपकी यह प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना।